हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों ने एसएससी सीजीएल के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि एक वीडियो में हम ऑलरेडी 2021 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं चैनल पर और उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2020 में, कि किस तरह के क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछे गए थे, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि क्या पैटर्न फॉलो करता है एसएससी अपना क्वेश्चंस को डिजाइन करने का। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं 2020 के कुछ पीवाईपी हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनालॉगी से टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले रिलेशन देखना है कि जो हमको रेफरेंस के लिए जो चीज दी हुई है, उन दो चीजों में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन हमको ऑप्शन में से छाटना है कि वही सेम रिलेशन कौन से ऑप्शन में हमारा फिट बैठ रहा है। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। अब जैसे यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है हमको हॉर्सेस का, और ये जो दे रखा है ने, यानी कि हॉर्सेस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे साउंड का रिलेशन है कि जो जानवर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो होती है ये साउंड NEIGH, ने की, यानी कि घोड़ा हिनहिनाता है। तो बाकी हमें ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो हमारा ठीक है। अब जैसे पिग्स बज, सुअर भिनभिनाता नहीं है, हेयर बूम, खरगोश जो है वो बूम की आवाज नहीं निकालता, ये जो ऑप्शन थ्री है डक्स, डक्स यानी बत्तख क्वैक की आवाज निकालते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही हमारा इस रिलेशन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो एनालॉगी में आपको इस तरह के क्वेश्चंस डील करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर सीरीज से। इसमें आपको देखो क्या रिलेशन दिखता है। अब जैसे हम इस सीरीज में अगर इन दोनों नंबर्स के बीच का अगर वो देखें डिफरेंस, तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे 11 डिफरेंस है। आगे अगर हम चेक करें 51 में से 35 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ में मिलेगा 16 का डिफरेंस। ठीक है, आगे अगर हम चेक करें तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ भी 2, 22, और आगे अब क्या बनेगा 102 में से अगर 73 जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 और 29 का डिफरेंस। ठीक है, तब हमको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम इनका डबल डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, डबल डिफरेंस में देखते हैं हमको कुछ पैटर्न फॉलो हो पाएगा क्या। 11 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 5, 22 और 16 का 6, 29 और 22 का होता है डिफरेंस 7। तो अब हमको पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि ये नंबर्स का सीरीज चल रही है, जहां पे पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, उससे आगे 7 का डिफरेंस है। तो यानी अब जो नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पे 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यानी कि अब 29 में अगर हम 8 प्लस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 37, तभी इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस होगा। और अब एक स्टेप ऊपर चलें तो 102 में हम 37 को ऐड कर देंगे, हमारे पास हमारी अगली मिसिंग टर्म मिल जाएगी जो कि क्या है, 139। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक स्टेप में नहीं पता लग रहा है कोई पैटर्न, तो आपको उसका नेक्स्ट स्टेप भी चेक करना पड़ सकता है किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे डबल डिफरेंस करने के बाद हमको आंसर मिला। ठीक, आगे चेक करते हैं, आगे का क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेशन देखना है। जैसे 12 का रिलेशन अगर हम देखें 60 है, तो हम देख पा रहे हैं कि 12 5 60 है। आगे भी हमारे पास ये रिलेशन होना चाहिए कि 16 5 क्या होता है 80, पर 80 के हमारा ऑप्शन में है तो 80 हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि हमें कोई दूसरी अप्रोच इसमें लगानी पड़ेगी, कोई दूसरा पैटर्न हमको देखना पड़ेगा कि क्या दूसरा पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पैटर्न क्या फॉलो हो सकता है, ये 12 है, अब अगर हम 12 की मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे कर दें 12 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें से घटा दें -1, तो ये बहुत अच्छा इसमें पैटर्न लगाया हुआ है इन लोगों ने, जो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 6, और 6 -1 क्या होगा, 5। अब जाके हमको मिल जाएगा 12 5 60। ठीक है, अब सेम पैटर्न हमको इसके साथ फॉलो करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाई 2 -1। 16 डिवाइडेड बाई 2 8 8 -1 7, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 16 7 112। ठीक है, तो ये हमको पैटर्न इसमें लगाना है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, ये हमको 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको ये अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में, कि कौन सा वर्ड अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा इनमें।
ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड पहले आएगा। एफ आर ई है पहले, फिर एफ आर ई, एफ आर वाई, एफ आर ओ। ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं, पहले में चारों चारों ऑप्शन में पहला वर्ड फाइव है, तो यानी सबसे पहले तो हमारा फाइव ही आ जाएगा, फ्रॉड। ठीक है, आगे चेक करें हम, एफ आर ए। एफ आर ए के बाद हमें देखना है, एफ आर ए के बाद हमारे पास क्या आएगा, एफ आर ई आएगा। ठीक है, एफ आर ई के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, दो ऑप्शन है एक्चुअली, एफ आर डबल ई, एफ आर डबल ई यहाँ भी है, लेकिन एफ आर डबल ई के बाद कौन सा लेटर है हमारे पास, डी। तो फाइव के बाद आ जाएगा टू, तो फाइव के बाद टू कौन सा, कितने ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास, दो में, तो यानी पहले दो ऑप्शन तो कैंसल आउट हो जाएंगे। आगे चेक करें, आगे कौन सा वर्ड आएगा हमारे पास, आगे हमारे पास आ जाएगा वन। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, ई के बाद क्या आता है हमारे पास, ई के बाद हमको मिलेगा आई। ठीक है, तो 5216, 5216 दोनों ही ऑप्शन में, आगे और चेक करना पड़ेगा हमको। अब आगे देख पाएंगे हम, आई के बाद हमें मिलेगा ओ, तो हमारा पास आंसर हो जाएगा अब क्या, ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद बचा हुआ वर्ड 5216 43, ये हमारा हो जाएगा अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का है, इसको सॉल्व करते हैं। छह मेंबर्स हैं बिजनेस फैमिली में, जिनका इनको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम फैमिली ट्री में ड्रॉ करेंगे और देखते हैं क्या रिलेशन उनका निकलता है। ठीक है, एन इज सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, एन है, एन सन है, मेल मेंबर है, तो मेल मेंबर के लिए हमने प्लस का साइन। एन इज सन ऑफ बी हु इज नॉट द मदर ऑफ एन, यानी कि मदर नहीं है ये बी, इसका मतलब ये कौन है, फादर है। ठीक है, आगे एल इज ब्रदर ऑफ बी, बी के ब्रदर कौन है, एल है, ब्रदर है, यानी कि प्लस का साइन। डी एंड बी आर मैरिड कपल, डी और बी जो है वो मैरिड कपल है, मैरिड कपल के हम डबल हॉरिजॉन्टल साइन का यूज करेंगे, किससे मैरिड कपल है, डी से, तो यानी ये फीमेल मेंबर हो गए। आगे क्या लिखा है, टी इज डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर कौन है, टी है, यानी कि ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर। आगे डी हु इज सिस्टर ऑफ पी, टी इज डॉटर ऑफ डी हु इज सिस्टर ऑफ पी, डी जो है किसकी सिस्टर है, पी की सिस्टर है। ठीक है, पी का हमारे पास कोई जेंडर नहीं दिया है इन्होंने। आगे देखते हैं हम क्या पूछा इन्होंने, हाउ इज एन रिलेटेड टू टी, एन और टी में क्या रिलेशन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एन और टी आपस में ब्रदर सिस्टर है, तो एन इज ब्रदर ऑफ टी, तो ब्रदर है हमारा ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इसमें हमको ये जो स्टार साइन है ये रिप्लेस करना है इन साइन से, और ये इक्वेशन हमको सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, लास्ट में हमको दिख रहा है इक्वल टू, यानी कि हमको ये सारा सॉल्व करके इक्वल टू फोर लाना है, तो हम किस तरह से इसमें लगाएंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको, हमको जैसे फोर लाना है। तो देखिए, अगर हम देखें 42 × 7, ये तो यही बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, अगर इसको हम माइनस करेंगे इन दो नंबर से तो हमको फोर नहीं मिलेगा। आगे देखें, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 42 / 7 तो क्या मिलेगा हमें, सिक्स मिलेगा, -64 + 11 + 11, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 11 × 6 क्या हो जाएगा, 66। ठीक है, ये हो जाएगा 66। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या हमारे पास फोर आ रहा है आंसर में, अगर देखें हम 66 और 6 क्या होता है, 72 - 64, तो फोर तो नहीं आ रहा हमारे पास, ये हमको 8 दे रहा है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 42 / 7 क्या मिलेगा हमें, 6 + 64 6 + 64, आगे क्या है, माइनस, और इधर 11 × 6 66। अब 64 + 6 कितना हो गया, ये हो गया 70, और यहाँ पे -66, 4 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अगेन एनालॉगी का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है डिप्रेशन का रिलेशन अगर मूड से है। ठीक है, जब डिप्रेशन होता है तो मूड के डिसऑर्डर हो जाते हैं, और ऐसी अगर इंसोमनिया होगा तो इंसोमनिया का मतलब क्या है, ये होता है स्लीप डिसऑर्डर से रिलेशन होता है इसका, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा स्लीप, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर।
ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यानी कि आपको जो बेसिक जीके है वो आपको आनी चाहिए। एनालॉगी कुछ ऐसा ही टॉपिक है जिसमें आपसे कहीं से भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे हमको ये सीरीज आगे कंप्लीट करनी है वो हम देखेंगे क्या इसमें फॉलो होगा पैटर्न। ठीक है, अब जैसे पी, पी के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद वी, अगर हम इनकी रैंक देखें तो ये क्या है, पी 16 है, 18, ये 20, ये 22। तो यानी अगला हमारे पास लेटर क्या होना चाहिए, 24। तो कौन सा होता है 24, एक्स। तो एक्स देख लीजिए कितने ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं, एन की रैंक 14, यहाँ पे 16, यहाँ 18, यहाँ पे 20। तो आगे 22 किसकी रैंक होती है, वी की होती है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे देखो सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी वी रिपीट हो जाएगा। तो यानी कि हम इसमें पैटर्न देख पा रहे हैं कि लेटर में हम सब में प्लस टू का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब बचा एक और लेटर, इसमें देखते हैं क्या है, ई, यहाँ पे ए है, ए की रैंक क्या 1, ई की रैंक 5, आई की रैंक 9, ओ की रैंक 15। तो यहाँ पे हमको कोई भी डिफरेंस वाला पैटर्न यहाँ पे कोई फॉलो नहीं होता दिख रहा। यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस, अगेन 4 का डिफरेंस, अब आगे देखें तो 6 का डिफरेंस। लेकिन हम एक चीज देख पा रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम वॉवल्स को देख पा रहे हैं, पहले में ए है वॉवल, फिर ई, आई, ओ, तो यानी एक बचा वॉवल कौन सा हो जाएगा, यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, एक्स वी वी यू, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इसमें हमको रिलेशन दे रखा है वीमेन रिसर्चर और इंट्रोवर्ट्स में किस तरह से रिलेशन हो सकता है। अब देखिए ये तीनों चीज, अब ये जो वीमेन है ये रिसर्चर भी हो सकती हैं, कुछ रिसर्चर भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कुछ हम कंफर्म नहीं कर सकते सबको लेके। और यही रिसर्चर और वुमेन ये इंट्रोवर्ट्स भी हो सकती हैं। तो यानी कि इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा हमारे पास इन लोगों का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, इसमें हमको देखना है क्या पैटर्न फॉलो होगा और ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा हमारा नंबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिलेशन है, 4, 15 और 44, इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगर देखें 15 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 11, और 11 में अगर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 44 मिल जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न हम देखते हैं, अगर यही पैटर्न अगर हमारा इसमें फॉलो हो गया तो हम इसमें भी ये लगा के आंसर निकाल पाएंगे। इसको चेक करते हैं, 21 में से अगर 6 माइनस हुए तो क्या मिला, 15, और 15 में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60। तो यानी कि हमारा ये जो पैटर्न है ये सही है। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, नीचे है 68, 68 में क्या मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 में कुछ मल्टीप्लाई करके जैसे 68 आ जाए तो क्या होगा, वो 17, 4 से 68 होता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम किस नंबर में से 7 को माइनस करें जो हमारे पास 17 मिल जाए, तो वो होगा 24। 24 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 17। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका आंसर हमको करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी करते रहिए, आज 8 तारीख है, लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक फॉर योर एग्जाम।